स्वागत है आपका एमके न्यूज इंडिया में। खबर सुपौल से। समाज सेवी का सराहनीय पहल, गरीबों के बीच बांटा भोजन का सामग्री। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संगठनों एवं समाज सेवक द्वारा जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी महामारी में एक दूसरे को सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में राघोपुर प्रखंड के गणपतगंज वार्ड नंबर 4 के दानिश अब्दुल्ला, जियाउल्लाह रहमानी एवं कैसर अली राणा ने अपने निजी कोष से पंचायत वासियों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने तथा कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के कई उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी से ही कोरोना जैसे महामारी से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के दौरान जहां जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में बंद है, वहीं दूसरी ओर समाज से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो मजदूर बेबस बेसहारा लाचार थे, गरीब थे, उनको देखते हुए जिनको ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, उनको हम लोगों ने बांटने का काम किया है। कब से ये राहत सामग्री आप वितरण कर रहे हैं? 8 दिनों से लगातार हम लोग वितरण कर रहे हैं, इससे पहले भी कई जगह किए हैं। अब तक कितने लोगों को दे चुके हैं? जी, हम पहले सर्वेक्षण करते हैं जा कर के टोला में, मोहल्ला में, गाँव में, और समाज से भी पूछते हैं कि यहाँ पे कौन उसके हकदार हैं। सही जो हकदार हैं हम उनको देने का काम करते हैं। कितने लोगों को अब तक पहुँचा सकता है? लगभग अभी हम लगभग बताते हैं कि पूरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि लगभग 150 आदमी को हमने बांटने का काम किया है। ये आपके निजी फंड से दे रहे हैं? जी, ये अपने निजी फंड से है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई हमें तंजीम मदद नहीं कर रही है, ये खुद के जो बजट है उसके अंदर से। कब तक ये चलेगा? जी, जब तक मेरे पास है जो कुछ भी है उसमें से हम बांटने का काम करते रहे। क्या कुछ कहेंगे मौलवी साहब, लगातार आप लोगों के द्वारा गरीब तबकों के लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे समाज में किसी भी समाज के रहने वाले हों, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के रहने वाले हों, अगर वो गरीब हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो परेशान हैं, वो वंचित हैं कोरोना वायरस की बीमारी से, जो इलाके में हाहाकार मची हुई है, कई घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, हम लोग की थोड़ी सी कोशिश है, खासकर दानिश अब्दुल्ला साहब की इसमें कोशिश रही है पिछले कई दिनों से और आज भी, कि वो गरीबों तक पहुँचें और उनके घर में चूल्हा जले, उनके यहाँ खाना बने, उनके बच्चे कुछ खाएँ और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। यही एक उद्देश्य है। समाज के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को साथ साथ लेते हुए सबसे प्राथमिकता यह है कि हम लोग गरीब घरों में चूल्हा जलावें।